लाहौर समेत पंजाब भर में फूड अथॉरिटी नाकिस बर्फ बनाने वाले कारखानों के खिलाफ सरगर्म हो चुकी है। आर ओ फिल्टर्स ना लगाने पर शहर के 21 बर्फखाने सील कर दिए गए। सुबह भर से 546 बर्फखानों की चेकिंग जारी है। अहम खबर शामिल करते हैं आपको, बताते चले लाहौर समेत पंजाब भर में फूड अथॉरिटी नाकिस बर्फ बनाने वाले कारखानों के खिलाफ सरगर्म हो चुकी है। बिल्कुल, 800 फिल्टर लगाने पर शहर के 21 बर्फखाने सील कर दिए गए हैं। सुबह भर में 540 बर्फखानों की चेकिंग की गई है। अहम खबर है जो आप तक पहुँचा रहे हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर में फूड अथॉरिटी नाकिस बर्फ बनाने वाले कारखानों के खिलाफ सरगर्म है। आरओ फिल्टर्स ना लगाने पर शहर के 21 बर्फखाने सील कर दिए गए हैं। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से बताते चले, लाहौर समेत पंजाब भर में फूड अथॉरिटी नाकिस बर्फ बनाने वाले कारखानों के खिलाफ सरगर्म हो चुकी है। आरओ फिल्टर्स ना लगाने पर शहर के 21 बर्फखाने सील कर दिए गए। सुबह भर में 546 बर्फखानों की चेकिंग की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग रूबा उरूज से। जी रूबा उरूज, बताइएगा फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने पंजाब भर में कार्रवाइयां की हैं। 546 बर्फखाने ऐसे हैं जिनको चेक किया गया है, जहां से जो आलूदा फिल्टर्स हैं वहां वो मौजूद होने की वजह से लाहौर जोन के तकरीबन 21 जो बर्फखाने हैं उनको सील कर दिया गया है। पूरे पंजाब की अगर बात की जाए तो टोटल 37 बर्फखानों को सील किया गया है। इसकी वजह ये सामने है कि सांचे तब्दील नहीं किए जा रहे थे, नाकिस सफाई थी और उसके अलावा जो फिल्टर्स थे वो मौजूद नहीं थे। अब तक पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स की जानब से चेकिंग के 2232 बर्फखानों में आरोप लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे बहुत से जो है वो बर्फखाने मौजूद है जहां पर फिल्टर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इन जगहों को सील किया गया। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी नूर लमीन मैंगल का कहना था कि रमजान मुबारक की आमद आमद है, गर्मी का मौसम भी है और बर्फखाने जो है वो खुली बर्फ अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ऑपरेशन टीम्स तश्कील दी गई है। बर्फखानों की हफ्तावार चेकिंग की जाएगी ताकि खसूसी जो वाटर सेफ्टी टीम्स है वो माहाना बकायदा चेकिंग कर सकें और शहरियों को साफ पानी मुहैया किया जा सके, साफ बर्फ मुहैया की जा सके। साफ बर्फ मुहैया की जा सके। बहुत शुक्रिया रूबा उरूज तफसीलात से आगाह करने के लिए।